क्या नाम है आपका? धन्यवाद। तानिया, आप जी वहां यूक्रेन से वापस आई हैं, 3 दिन हो गए। अब क्या हालात हैं आपके? दोस्तों से बातचीत हो रही है? क्या स्थिति है वहां की? अभी तो सिचुएशन काफ़ी बुरी है वहाँ पे। मेरे जो दोस्त हैं, कल से अटैक जब से किया रशिया ने, तो जहाँ पे मेरे दोस्तों के फ्लैट्स हैं उसके आसपास लगातार बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और उनको रोडों पे दिख रहा है कि बहुत सारे टैंकर्स आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं कि आसपास बहुत मिलिट्री, रशियन आर्मी और ये सब है, और सिचुएशन काफ़ी बुरी है। आज शायद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी कट कर दी जाएगी। क्या स्थिति प्रधानमंत्री से या इंडियन एमेंसी, क्या कब सूचना दी गई थी आप लोगों को किस तरीके से सुरक्षित वहां से सारे छात्र आ सकें? 15 तारीख को उन्होंने बोला था कि आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ फॉर्मली नहीं बोला था कि चले जाओ, पर ये बोला था कि हाँ अभी थोड़े से ऐसी सिचुएशन है कि आप जा सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले से बोलना शुरू करा कि अभी आप चले जाओ। पर स्टूडेंट्स एकदम से फ्लाइट तो बुक कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए स्टूडेंट्स ने कुछ 1 मार्च 26 तारीख की या 5 मार्च तक की टिकट्स बुक करी थी, पर कल एकदम अचानक से अटैक हो गया और किसी को जाने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए सारे दोस्त मेरे वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी लोग कितने दोस्त वहां फंसे हुए हैं आपके? मेरे तो ऑलमोस्ट सारे दोस्त, मतलब मैं कुछ 4-5 ही मेरे दोस्त हैं जो आ पाए हैं वापस, मोस्टली वहीं पे ही फंसे हुए सारे। सारे बच्चे। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री से कि मेरे जितने भी दोस्त हैं यूक्रेन में और बाकी भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन, उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी है, और सेफली उनके घर पे पहुँचा दीजिए। थैंक यू। आप यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं, तो वहाँ पर जो है ये हमला वगैरह हो रहा है, तो आप कब आई थी और क्या वो समय समय जो है कि आपकी बात हो रही है, क्या हालात है? मैं 19 को वहाँ से चली थी और 20 को दिल्ली पहुँच गई थी। मेरे जो दोस्तों से मेरी बात हो रही है वो ये बता रहे कि कल बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे काफ़ी, कल से एयर बॉम्बिंग पूरी यूक्रेन में चालू है, और आज भी एयर अलर्ट उन लोगों ने बोला कि कर दिया था। कल पूरी रात को कर्फ्यू था, डीन ने भी बोला कि रात को 11 बजे से 7 बजे तक कोई घर के बाहर नहीं आ सकता, और अगर आपको कुछ ग्रॉसरीज या कुछ लेने बाहर जाना भी है तो आपको सारे पासपोर्ट और सब कुछ साथ लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पर बमबारी वगैरह भी हो रही, जहाँ पे आपका हॉस्टल वगैरह है, जहाँ पे मतलब आपका कॉलेज है, वहाँ बमबारी वगैरह हो रही, तो वहाँ पर जो है जो आपकी बात हो रही है, तो अपने कैसा महसूस कर रहे हैं? वो लोग सब डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है क्योंकि सारी एयर स्पेस पूरी यूक्रेन की बंद कर दी गई है, तो वो घर भी नहीं आ सकते, तो वो सब बहुत डरे हुए हैं, और जो बम वगैरह की आवाज़ सुन के उनको और भी ज्यादा डर लग रहा है। तो वहां से आने का कोई अभी साधन नहीं हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि हम किसी और कंट्री पे बिना वीजा के या फिर बाय रोड या ट्रेन से ट्रैवल तो कर नहीं सकते, और एयर स्पेस पूरा यूक्रेन का मतलब बंद हो चुका है, तो फिर अभी वो लोग नहीं आ सकते जब तक इंडियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं करती। फरुखाबाद से लगभग कितने साथी हैं आपके? फरुखाबाद से मेरे जितने को मैं जानती हूँ 5 लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं आवासीय कास के, जिनमें से 2 वापस आ गए, एक मैं और एक हिमांशु राजपूत, और 3 लोग अभी वहीं फंसे हुए हैं। वहाँ खाने, जैसे साथियों से बात हुई तो वहाँ खाने पीने की क्या दिक्कत हो रही है? खाने पीने का अभी जो स्टोर्स में जो सामान था सिर्फ उतना ही था, तो अभी सारे लोगों ने जाके ले लिया है, पर अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं पता कि आगे कहाँ से मिलेगा।